हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या ईश्वर का अस्तित्व है। अगर है, और जैसा कि धर्म के मानने वाले लोग मानते हैं कि ईश्वर दयावान है, ईश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, तो आखिर मनुष्यों को, इंसानों को तकलीफ, दुख, दर्द, जलजले, भूकंप, सुनामी क्यों सहना पड़ता है? क्यों मासूम सा बच्चा मर जाता है? क्यों करोड़ों लोग हॉस्पिटल में बीमारी से जूझ रहे हैं और जो मरने के कगार? आइए इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग नजरिए से समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक गहरे और विचारोत्तेजक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने सदियों से मानव के मन में कौतूहल पैदा किया है। यदि ईश्वर है तो मनुष्य कष्ट क्यों सहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूता है। तो आइए गहराई से जानें। हम में से कई लोग मानवीय पीड़ा के सामने एक उच्च शक्ति की अवधारणा से जूझते हैं। अपनी खोज शुरू करने के लिए आइए स्वीकार करें कि इस प्रश्न का सभी के लिए एक ही उत्तर नहीं है। विभिन्न दृष्टिकोण, नजरियों के लिए और विश्वास इस मुद्दे की जटिलता में योगदान करते हैं। धार्मिक नजरिए से कुछ लोगों का तर्क है कि कष्ट एक परीक्षा है, ईश्वर की दिव्य योजना का एक हिस्सा है जो एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है। इसे विश्वास को मजबूत करने, करुणा को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। दार्शनिक नजरिए के वो चलते हैं। दूसरी ओर, दार्शनिक अक्सर स्वतंत्र इच्छा के अस्तित्व की जांच करके इस प्रश्न से निपटते हैं। यदि ईश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान करता है तो जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो हमारी अपनी पसंद और दूसरों की पसंद का परिणाम हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों का तर्क है कि पीड़ा का अस्तित्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिक और दैविक कानूनों का एक स्वाभाविक परिणाम है। यह दैवीय इच्छा का मामला नहीं है, बल्कि जटिल प्रणालियों का परिणाम है। आइए मानवीय तत्वों को न भूलें। हमारी सहानुभूति और करुणा अक्सर चुनौतियों पर काबू पाने से उत्पन्न होती है। कुछ मामलों में पीड़ा समुदायों को एकजुट करती है, लचीलापन और मानवता की साझा भावना को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न है कि ईश्वर की उत्पत्ति में मनुष्य कष्ट क्यों सहते हैं, बहुआयामी है। इसमें धार्मिक विश्वास, दार्शनिक विचार विमर्श, वैज्ञानिक तर्क और जटिल मानवीय अनुभव शामिल है। जैसे ही हम इस जटिल भूभाग पर नेविगेट करते हैं, आइए खुले दिमाग से और उन विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करें जो अस्तित्व के हमारी समझ में योगदान करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा, तो अधिक जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। आइए इस बातचीत को जारी रखें। अगली बार तक उत्सुक बने रहें। जय हिंद साथियों।